हाल ही में कांग्रेस को लेकर आ रही है बड़ी खबर पर पूरी सच्चाई जानने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पाटीदार आंदोलन से कभी गुजरात की राजनीति में भूचाल ला देने वाले हार्दिक पटेल चुनावी सफर की शुरुआत कर सकते हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हार्दिक पटेल को भाजपा टिकट दे सकती है। उन्हें विरामगाम सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ओबीसी आरक्षण के लिए आंदोलन चलाने वाले अल्पेश ठाकोर को भी भाजपा उम्मीदवार बना सकती है। हार्दिक की तरह अल्पेश भी कांग्रेस में छोटी सी पारी खेल चुके हैं। कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए ऐसे नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है जो भगवा दल से टिकट की चाह रखते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 2017 विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में आए 35 से अधिक नेता टिकट के लिए दबाव बना रहे हैं। कुंवरजी बावलिया 5 बार के विधायक और लोकसभा सांसद हैं। सोमा भाई कोली पटेल सुरेंद्रनगर से लोकसभा सांसद रहे हैं और लिम्बनी सीट से 1 से अधिक बार विधायक रह चुके हैं। ब्रिजेश मेरजा मोरबी में पुल हादसे के बावजूद मजबूत उम्मीदवार हैं। ये सभी नेता कभी कांग्रेस के बड़े चेहरे रहे हैं। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है। भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला देखते रहे प्रदेश में इस बार आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। त्रिकोणीय टक्कर वाले चुनाव का परिणाम 8 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। 182 सदस्यीय वाली विधानसभा में भाजपा का लगातार 27 साल से कब्जा है। हाल में आए कई सर्वे ने एक बार फिर राज्य में भाजपा की सरकार बनने की भविष्यवाणी की है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, आपका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।